सनातन धर्म, सच्ची बात तो ये है, सबसे प्राचीन धर्म है। सनातन धर्म जीने का संदेश देता है, इसलिए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। ये भगवद गीता ये ऐसा हैंडी टूल है अपने हाथ में जो सबके साथ में, कोई भी पढ़े, कहीं से पढ़े, उसको अमृत का संदेश देगा, प्रकाश का संदेश देगा, जीने का संदेश देगा। जियो और जीने तो एक बात है, बोले लेकिन जियो और जीवन दो, ये उससे भी बड़ी बात है। पूज्य स्वामी जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज बात करने के लिए। इट्स ट्रूली सच एन ऑनर। मेरा पहला क्वेश्चन है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज सच एज विल स्मिथ, शॉन मेंडेस, जे शेट्टी हिंदुइज्म और भगवद गीता को पढ़ रहे हैं। अमिताभ बच्चन और प्रिंस चार्ल्स हैव आल्सो अटेंडेड द गंगा आरती हियर। आपको क्या लगता है, हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट कि हम लोग अपना सनातन धर्म को सपोर्ट और स्प्रेड करें दुनिया में? पहली बात तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप हिंदी बोल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। विदेश में रहकर भी अपनी भाषा को नहीं भूले, अपने भाव को नहीं भूले। और बात सनातन धर्म की आप कर रहे हैं, धर्म की कर रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। सनातन धर्म, सच्ची बात तो ये है, सबसे प्राचीन धर्म है, शाश्वत है, इटर्नल है। और उसकी जो संदेश है वो किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए है। आप देखें ना, सर्वे भवन्तु सुखिना, संगच्छद्म संगवदध्वम संगवो मनांसि जानता, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु वसुधैव कुटुंबकम। ये जो प्यारे मंत्र हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनल, कि सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, कोई बीमार ना पड़े, कोई दुखी ना हो, सबका भला हो, तो ये जो मंत्र हैं कितने प्यारे हैं। ये सनातन धर्म का मैसेज है। और वसुधैव कुटुंबकम, हम एक परिवार हैं, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। व्हाट ए ग्रेट कल्चर, व्हाट ए ग्रेट मैसेज। सनातन धर्म जीने का संदेश देता है, और जीवन को अपने लिए नहीं, अपनों के लिए, और उस अपनों में भी पूरे समाज को गले लगाकर सबको साथ साथ लेकर चलने का संदेश देता है। इसलिए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। उसमें सब आ गए, ऑल बैरियर्स एंड बाउंड्रीज आर ब्रोकन। अब रेस, रीजन, रिलीजन्स, कलर, कुछ नहीं, बोले सब एक हो, सब एक परिवार हो। ये मानवता के मंत्र जो हैं सबके लिए हैं, तो ऐसे सनातन धर्म को बिल्कुल सीखना चाहिए, घर में जीना चाहिए, और फिर दूसरों को शेयर करना चाहिए, निश्चित रूप में करना चाहिए। ये भगवद गीता जिसकी आपने बात की, ये ऐसा हैंडी टूल है अपने हाथ में जो सबके साथ में, कोई भी पढ़े, कहीं से पढ़े, उसको अमृत का संदेश देगा, प्रकाश का संदेश देगा, जीने का संदेश देगा। जियो और जीने तो एक बात है, बोले लेकिन जियो और जीवन दो, ये उससे भी बड़ी बात है। अपने लिए मत जियो, समाज के लिए जियो, सबके लिए जियो। गंगा जी को देखो, गंगा अपने लिए नहीं बहती हैं, तभी तो गंगा जी के तट पर ये दिव्य आरती है, सब लोग आते हैं। ये संदेश है कि नो एक्सपेक्टेशन, नथिंग इन रिटर्न। बह रही हैं, कचरा फेंको तो और उसको सुंदर रखो, तो कचरा फेंकना नहीं चाहिए। जो गंगा से हम जल पीते हैं, उस गंगा को हम दूषित करें, गलत है। प्रदूषण से मुक्त रखना है हमें अपने जल को, जल है तो जीवन है। फिर पेड़ों को देखो, पहाड़ों को देखो, पानी को देखो, सब अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। सूरज को देखो, सूरज रोज खिलता है, चांद रोज खिलता है, सूरज रोज उगता है, अपने लिए, सबके लिए। ऐसा ही जीवन हो, भेदभाव रहित जीवन जिए, सबकी सेवा करें, सदा के लिए करते रहें, जीवन अपने लिए ला हो, सबके लिए हो। यही तो गीता का संदेश है कि बस अपना कर्तव्य पालन करो। यही तो कहा अर्जुन को भगवान ने, स्टैंड अप एंड लिव योर ड्यूटी एंड लिव योर धर्मा, एंड योर धर्मा इज फॉलो योर ड्यूटीज। अपने धर्म के लिए खड़े जाओ, और अपना धर्म है अपना कर्तव्य। अपना कर्तव्य है कि जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस देश में हम खड़े पले हैं, हम उसके लिए जिए, उसके लिए मरें। हम केवल देव पूजा नहीं, बल्कि
देव भक्ति नहीं बल्कि देशभक्ति भी करें। देशभक्ति का अर्थ है जो अपने देश की वैल्यूज़ हैं, संस्कार हैं, संस्कृति है, मातृभूमि है, उसके लिए भी जिए। और यही संदेश है भगवद गीता का, खड़े हो जाएं अपने कर्तव्य पालन के लिए। बिल्कुल, बस। और एक और क्वेश्चन था, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ड्रग्स ले रहे हैं, इवन आफ्टर अचीविंग सो मच फेम, सो मच सक्सेस, सो मच मनी, ऐसा क्यों है? इसलिए कि ना फेम, ना मनी, ना ड्रग्स उनको खुशी दे पाते हैं। खुशी जब नहीं होती है, व्यक्ति खुश नहीं होता है, फिर वो रास्ता अल्टरनेटिव ढूंढता है। उसको लगता है कि ये करूँगा तो शायद मुझे खुशी मिल जाएगी। वो बीचेस पे जाता है, वो हॉलीडे पे जाता है, मूवी देखने जाता है, आइसक्रीम खाता है या कुछ और खाने लगता है। आदमी जब निराश होता है, डिप्रेस्ड होता है, खाता ज़्यादा है। उसको लगता है कि ये कर देने से मेरी निराशा दूर हो जाएगी, ये पिल्स ले लेने से मैं मस्त हो जाऊंगा, ये ड्रग्स ले लेने से मैं बिल्कुल आई विल फील हाई। यस, यू फील हाई, बट फॉर हाउ लॉन्ग? टेम्पररी। तो इफ यू वांट परमानेंट हैप्पीनेस, विल नॉट कम थ्रू दीज पिल्स, विल नॉट कम थ्रू दीज ड्रग्स आर ड्रिंक्स। फॉर दैट यू नीड परमानेंट सोल्यूशन, एंड परमानेंट सोल्यूशन इज कनेक्टिंग टू योर सेल्फ, टर्निंग टूवर्ड्स यू, बींग एंकर्ड एंड ग्राउंडेड। जब तक वो नहीं होगा, आप परमानेंट हैप्पी नहीं होंगे। टुडे एवरीथिंग इज सेट बट पीपल आर अपसेट, रादर देन बींग इन पीस दे आर इन पीसेस। रादर देन लाइफ बींग बेटर एंड बेटर इज बिकमिंग बिटर एंड बिटर। वाई? बिकॉज एक्सपेक्टेशन, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे मिल जाए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे हो जाए। जब वो नहीं होता है, देन यू फील डिप्रेस्ड, यू फील ब्रोकन। एंड एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंड एक्सेप्टेंस इज द मदर ऑफ जॉय एंड पीस। क्या मुझे एक्सेप्ट करना है, क्या मुझे रिजेक्ट करना है, ड्रग्स को, ड्रिंक्स को, पिल्स को, फालतू, इन सब चीज़ों को हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। वेयर टू से यस, वेयर टू से नो, आई हैव टू ड्रॉ द लाइन इफ आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। This is my life. I have to be responsible. I have to live consciously. What to wear, how to wear, how much to eat. ये कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, डालते रहो। कितना खाओगे, बीमार हो जाओगे। There's a limit. We are not limitless. World is so much. So much temptation is there, attraction is there. But where I have to अटैच? सब देखो, जाओ, लेकिन ये याद रखो कि मेरे लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, मेरे लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है। मेकिंग मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम। पीपल मोस्टली गो टू टर्न टू दोज काइंड ऑफ जॉब्स वे विच गिव यू मोर एंड मोर मनी, बट लाइफ इज नॉट ओनली टू हैव मोर, माय डियर, लाइफ इज टू बी मोर। बीइंग मोर मीन्स शेयरिंग मोर, गिविंग मोर, केयरिंग मोर, not living for yourself but living for all। ये जो लाइफ है ना, ये जो जीवन है, मैं अपने लिए नहीं जीऊँगा। अपने लिए जिए तो क्या जिए, इसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता। दूसरे से नहीं लड़ने के लिए खुद से लड़ना पड़ता है। बड़ी मुश्किल होती है, हमें लड़ूंगा तो नहीं, लेकिन अंदर अंदर फिर लड़ाई चलती रहती है। तो लड़ाई भी ना चले बाहर, लड़ाई भी ना चले अंदर, उसके लिए ध्यान चाहिए। इसलिए पीपल नीड मेडिटेशन, just to connect to yourself, connect to the peace, and that peace is not only outside of you, on the beaches, on the holidays, eating ice cream or seeing movies, watching movies. No, movie is over, your happiness is over. Ice cream is over, your happiness is over. Nahi? Bilkul. Your pizza is over, happiness is over. Eat pizza, eat ice cream, go to movies, go on beaches, but remember, they are all temporary. बाद में घर में जब आए, शॉपिंग सेंटर, फॉर हाउ लॉन्ग यू कैन लिव टू बी, यू हैव टू कम होम, कम होम, कनेक्ट टू योर GPS। वो आपको धीरे धीरे जब कनेक्शन मिल जाएगा, ये सारे ड्रग्स व्रग्स सब खत्म हो जाएंगे। हम लोगों ने इतने 43 साल हो गए जाते जाते विदेश में, अमेरिका, आज तक छुआ ही नहीं किसी चीज़ को।
ना ड्रग्स ली, ना सिगरेट ली, ना स्मोक किया, ना बियर ली कि एक बार तो देख लो, वही ना ड्रिंक ली और मस्ती में जी रहे हैं। कोई पूछे कैसे हैं, बोले मस्त, सुपर। बिना ड्रिंक और ड्रग्स के भी सुपर हो सकते हैं। मुझे वो जीना है, दिस इज अप टू मी, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आई वांट टू चूज, आई वांट टू पिकअप। बोलो जीवन कैसा है, बोले जैसा बना लो वैसा है, चाहे इसको स्वर्ग बना लो चाहे इसको नरक बना लो, लाइफ इज व्हाट व्हाट यू मेक इट, वेदर यू टर्न दिस लाइफ टू हेल और टू हेवन, इट्स योर चॉइस। व्हेन इट्स माय चॉइस, व्हाई नॉट आई चूज द बेस्ट, चूज व्हाट इज राइट फॉर मी। Why to be in pieces? Why not to be in peace? Why to become bitter? Why not to become better? And who will draw the line for that? You. You are the key. You are the master key. Whatever you want, you can plan it. You can do it. क्योंकि key तो अपने पास है, master key अपने पास है। जो ताला खोलना हो खोल लो। इतने सारे ताले लगे हुए अंदर। खोलो ताले and be free. And be fresh. Thank you so much, Pujya Swamiji. Such an honor. God bless you.